हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आई होप कि आप सभी एकदम से फिट होंगे। सो गाइस, मैं आपके लिए लेके आऊँगा नई वीडियो जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं BAPI 003। ये जो आपका कोर्स है जिसका आप देख सकते हैं टाइटल यहाँ पे है हमारा, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होता है, मतलब प्रोडक्शन है एक टाइप की, तो उसकी इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ये हमारा पेपर का जो है वो टाइटल है, और ये कोर्स कोड आप यहाँ से देख सकते हैं BAPI 003। उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चन, एक टाइप के गैस पेपर है। बस आपको ये वाले जो टॉपिक हैं ये छोड़ने नहीं है, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। और मैं गारंटी देता हूँ इसकी चीज़ की अश्योरिटी की, यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हैं कंपाइल्ड, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, इसमें कुछ तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ गैस पेपर एक टाइप का आपके लिए है। और यहाँ पे मैंने जो है वो हैंड मतलब खुद टाइप करके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे ना, उनके यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो उतारे हुए हैं, ठीक है। और ये आप हमारा टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, इग्नो फ्री स्टडी करके सर्च कर सकते हैं आप यहाँ से। और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइज, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइज, क्योंकि हम भी आपकी हेल्प कर रहे हैं गाइज, यार इतना तो बनता है, ठीक है, कि चैनल को सब्सक्राइब करना। और शुरू करते हैं गाइज, जैसे आप देख सकते हैं। और ये मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो हमारी PDF है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। और इसका आपको PDF जो है वो हमारे इसी चैनल पे मिलेगा, ठीक है, इग्नो फ्री स्टडी पे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हम डिस्कस वेरियस ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो यहाँ पे आपको डिस्कस करने हैं ये कौन कौन से जो ऑपरेशंस हैं, ठीक है, प्रोडक्शन से लेके एटसेट्रा आगे तक, ठीक है। तो कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं एग्रीकल्चर की जब मार्केटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद कहता है व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस अमंग कंसंट्रेशन, तो ये अलग पॉइंट है। इक्वलाइजेशन क्या होती है और डिस्पर्शन क्या होता है, तो आपको इनके बीच में बेसिक डिफरेंस जो है वो बताना है। कंसंट्रेशन क्या होती है, इक्वलाइजेशन क्या होती है और डिस्पर्शन क्या होती है। उसके बाद कहता है व्हाट आर द कॉमन मार्केटिंग चैनल फंक्शंस, तो कौन कौन से कॉमन जो मार्केटिंग चैनल के फंक्शंस हैं वो आपको बताना है, या फिर क्या है ये। उसके बाद हमें कहता है कि ब्रीफली आउटलाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केटिंग फंक्शंस प्रपोज्ड बाय क्लर्क एंड क्लर्क, ये नाम का बंदा था एक ही, 1974 के अंदर इन्होंने क्या करा था, क्लासीफाई करा था मार्केटिंग फंक्शन को। तो ये आपको उसकी आउटलाइन देनी है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमसे कहता है ये व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन इन ऑर्गेनिक मार्केटिंग, तो जब हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग करते हैं तो मार्केट इन्फॉर्मेशन की क्या सिग्निफिकेंस है। आपको पता है ना कि सबसे पहले तो हमें मार्केट की इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको बताना है। उसके बाद आपको करना है डिफाइन मार्केटिंग मिक्स क्या है, इसको डिफाइन करना है। और इसके अंदर जो 4 P हैं और 4 C हैं, इनका क्या मतलब है, ठीक है, तो क्या है ये 4 P क्या है और 4 C क्या है मार्केटिंग मिक्स के अंदर, ये आपको जो है वो बताना है। उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे, देख सकते हैं आप यहाँ पे व्हाट इज़ नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, तो जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है ये क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। व्हाट इज़ हॉर्टिकल्चर एंड व्हाट इज़ सिल्वीकल्चर, इन दोनों में क्या अंतर है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा मुझे। और ये जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये भी आपको जो है वो बताने हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। उसके बाद हमसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द स्पोर्ट्स फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग अंडर टेक्नोलॉजी मिशन, तो क्या क्या स्पोर्ट्स हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो टेक्नोलॉजी मिशन था फॉर इंटीग्रेटिंग डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो इंटीग्रेटिंग वर्ड से आप समझ रहे हो कि इंटीग्रेटिंग इज नॉट अ सॉलिट्यूड या सोल टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज़ नहीं होता है, बल्कि बहुत सारी टेक्निक से यूज़ होता है इंटीग्रेटिंग इन द मैनर कि यहाँ पे बड़े सारे जो फील्ड हैं उनका एडिशन किया जाता है डिवाइसेस का, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक प्रोड्यूस प्रोवाइड न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉफिटेबल फार्मिंग, इसको डिस्कस करना है आपने डिटेल के अंदर। तो क्या सच में जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वो एक न्यू अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं प्रॉफिटेबल फार्मिंग, प्रॉफिटेबल तो आप समझते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा कहता है हाउ डज ऑर्गेनिक फार्मिंग प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन सेविंग एक्सपेंडिचर, तो कैसे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इन एक्सपेंडिचर यानी खर्चे को सेव करने में, ये आपने डिस्कस करना है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद कहता है व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट कंपोनेंट्स फॉर कॉस्ट एस्टिमेशन इन लिस्ट द इनपुट, ये इन लिस्ट होगा, ठीक है, EN इन लिस्ट द इनपुट कॉस्ट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो आपको इन लिस्ट बनानी है इनपुट कॉस्ट जो भी यूज होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। इनपुट समझते हो ना, जो भी हम वहाँ पे रिसोर्स यूटिलाइज करते हैं उनके लिए जो कॉस्ट लगती है, ठीक है। उसके बाद कहता है हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमसे कहता है एक्सप्लेन दी इकोनॉमिक वाइबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ड्यूरिंग कन्वर्शन पीरियड स्टेज, तो ये आपको बताना है इकोनॉमिक वाइबिलिटी क्या होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग की ड्यूरिंग जब कन्वर्शन पीरियड स्टेज होती है, ठीक है।
उसके बाद कहता है डिस्कस द स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। तो मार्केटिंग रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको करके जाना, इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। और ये कहता है कि कौन कौन से स्टेप्स जो है वो हैं मार्केटिंग जब रिसर्च करते हैं हम, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद कहता है डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपोर्ट के फंक्शन क्या है डिस्क्राइब करने हैं आपने। उसके बाद कहता है डिफाइन मार्केट को डिफाइन करना है। और उसके बाद कहता है व्हाट आर द की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिक मैटर नहीं हुआ यहाँ पे, ऑर्गेनिक जो हमारा मॉटर है मार्केट है सॉरी ये मैटर नहीं होगा, तो जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये आपको बताने हैं, और मार्केट को डिफाइन करना है, ये भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। ये एक टाइप का आपके लिए जर्नल आइडिया है गाइज, क्योंकि यहाँ पे देख लो ना मैंने हर टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट वो ऐड करा हुआ है, ठीक है। और इसमें से जो मैक्सिमम टॉपिक है ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर आए हुए हैं, तो वहीं से मैंने एक एनालाइज करके यहाँ से ऐड करे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है डिस्कस वेरियस कंस्ट्रेंट्स अफेक्टिंग मार्केटिंग ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, जो भी ऑर्गेनिक से चीज़ें पैदा होती हैं उनके लिए कौन कौन सी कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि अफेक्ट करती हैं मार्केटिंग, उनकी मार्केटिंग को, ठीक है। फिर आपको बताना है सेल्स फोर्स क्या होती है इसको डिफाइन करना है, सप्लाई चेन क्या है इसको डिफाइन करना है, और ब्रीफली डिस्कस द रोल ऑफ मार्केटिंग इंटरमीडिएट जो हमारे इंटरमीडिएट्स होते हैं। तो आप सबको पता ना जब हम प्रोडक्ट कोई भी सेल करते हैं मार्केट के अंदर तो वो डायरेक्टली हम उसको कस्टमर तक तो नहीं बेचते हैं, तो बीच में जो है वो हमारे क्या आते हैं इंटरमीडिएट्स आते हैं, तो ये बताना है आपने कि उनका क्या रोल है। फिर उसके बाद कहता है एलेबोरेट द की स्टेप्स इन मार्केटिंग चैनल्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो आपने बताना कौन कौन से की स्टेप्स हैं जब मार्केटिंग चैनल्स ठीक है मार्केटिंग चैनल के अंदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो भी हमारा निकलता है उसके। उसके बाद कहता है लर्न फुल फॉर्म्स, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने यहाँ फुल फॉर्म नहीं लिखी है लेकिन मैं आपको बताता हूँ ना कभी कभी डायरेक्टली क्या होते हैं 10 मार्क्स की वो आपसे फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है इसके अंदर बहुत सारी फुल फॉर्म्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है एक एक मार्क्स की आपको बहुत सारी यहाँ पे फुल फॉर्म्स भी देखने को मिल सकती हैं, और कभी कभार तो वो डिफाइन करने को पूछते हैं, ठीक है, कुछ टर्म्स दे दी जाती हैं आपको, 10 टर्म्स दे दी जाती हैं उनको डिफाइन करना है, और कभी कभार तो वो फुल फॉर्म पूछ लेते हैं आपसे कि इन फुल फॉर्म को एक्सपेंड करो, क्या फुल फॉर्म होगी इनको, ठीक है। तो ये आपको पढ़ लेनी है, जो भी आपको एक बार नज़र डाल लेनी है, जो भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं उनको अच्छे से सबको पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये देखो मैंने लिखा देर विल बी अ 10 मार्क्स क्वेश्चन ऑन फुल फॉर्म्स, तो 10 जो है वो फुल फॉर्म्स आती है 10 मार्क्स की। उसके बाद हमसे ये कहता है डिस्क्राइब द वेरियस कंपोनेंट्स अंडर नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो जो हमारा नेशनल प्रोजेक्ट था ऑर्गेनिक फार्मिंग पे उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स थे, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। फिर नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए जो था और इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्या इसके गोल थे, क्या कराना चाहता था ये। उसके बाद कहता है डिफाइंड बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये BCR, एंड इनलिस्ट द ये EN इनलिस्ट होगा, इनलिस्ट दी कॉस्ट कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एनालाइजिंग बेनिफिट कॉस्ट रेशियो को, जब हमें एनालाइज करते हैं तो इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं, कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट का क्या स्टेटस है इंडिया के अंदर, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद कहता है डिस्क्राइब वेरियस स्ट्रेटजीज फॉर मार्केट इंप्रूवमेंट, तो मार्केट को इंप्रूव करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं ये आपको डिस्क्राइब करनी है, और की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक मार्केट जो है उसके आपने बताने हैं, और गिव द कंस्ट्रेंट्स फेस्ड बाय ऑर्गेनिक सेक्टर, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो रिपीट हो गया। उसके बाद हमसे कहता है डिफाइन मार्केटिंग फंक्शन, तो मार्केटिंग फंक्शन क्या है ये जो है वो आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद कहता है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फंक्शन, तो ये फिर से रिपीट हो गया हमारा। उसके बाद कहता है आपको डिफाइन करना है ब्रोकर क्या होता है, फैसिलिटेटर क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, BC रेशो वही आ गया, ठीक है हमारा, मैंने आपको बताया। उसके बाद क्रिएशन ऑफ डिमांड कैसे होती है, ग्राटिंग ये ग्रेटिंग वेयर हाउसिंग है, फिर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या होती है, क्वेश्चनेयर क्या होते हैं, तो ये आपको पता है ना जब सर्वे करते हैं हम, जिसमें वो रिसर्च वाला ऑप्शन था ना कि रिसर्च जो होती है हमारी ऑर्गेनिक रिसर्च उसके अंदर मार्केट रिसर्च सॉरी, तो उसके लिए क्वेश्चनेयर प्रिपेयर किया जाता है, हम लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, उनकी राय पूछते हैं, उनके इंटरेस्ट पूछते हैं, फिर उसी हिसाब से हम जो है वो प्रोडक्ट की जो है वो आगे जाके उनकी सप्लाई करते हैं जो भी हमारा ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होता है। फिर कहते हैं एक्सप्लेन द सप्लाई चेन फॉर ऑर्गेनिक कॉटन, तो दिस इज ए सेपरेट क्वेश्चन है ये कि आपको एक्सप्लेन करनी है सप्लाई चेन किसकी, ऑर्गेनिक कॉटन की। उसके बाद हमसे ये कहता है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मार्केटिंग चैनल को डिफाइन करो, फिर क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ चैनल, तो चैनल को जब हम सिलेक्शन करते हैं तो उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट्स इन द इकोनॉमिकली वायबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, और ये कहीं ना कहीं मैंने क्वेश्चन पेपर से ही उतारा है इसलिए शायद ये रिपीट हुआ है। उसके बाद कहता है कि लिस्ट बनानी है आपने जो भी स्कीम्स लॉन्च की हैं गवर्नमेंट के द्वारा टू प्रमोट प्रोडक्शन एंड मार्केट डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए
और मार्केट की डेवलपमेंट करने के लिए, किसके रिलेटेड मार्केट, ऑर्गेनिक फार्मिंग के, तो कौन कौन सी स्कीम जो है वो लॉन्च की है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये आपको इनकी अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर जो हमारा NPOP है, इसके आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे फुल फॉर्म जरूर बताओगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उसके बाद हमारा कहता है हाउ इज ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट इन मार्केटिंग, तो मार्केटिंग के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे इंपॉर्टेंट है, तो ये आप सबको पता है बिना ट्रांसपोर्ट के क्या होता है, कोई भी चीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं होती। एंड व्हाट आर दी क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो जब हमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ये भी आपको अच्छे से डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद हमसे कहता है कि डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन विच हेल्प्स इन द सक्सेस ऑफ मार्केटिंग ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, तो जो भी ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसकी सक्सेस मार्केट के अंदर, उसके लिए कौन कौन सी जो टाइप्स की इंफॉर्मेशन है वो हेल्प करती है, तो ये आपको बतानी है, ये जरूरी है। उसके बाद कहता है एक्सप्लेन इन ब्रीफ, ब्रीफ शॉर्ट के अंदर आपको बताना है द रोल ऑफ ट्रेड फेयर्स, ठीक है, फेयर ट्रेड बताते हैं उसको, फेयर्स नहीं होगा ये, ठीक है, ट्रेड फेयर जो होता है हमारा, फेयर्स ही होगा, सॉरी फेयर्स ही होगा, ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, तो जो मेले लगते हैं ना ट्रेड के, तो वहाँ पे हम दिखाते हैं अपने जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, मतलब एक टाइप की ये एडवर्टाइजिंग हो गया। उसके बाद हमारा आता है डिफाइन द मार्केटिंग एंड द पर्पज ऑफ मार्केट रिसर्च, तो मार्केटिंग क्या है और पर्पज क्या है मार्केट रिसर्च के। उसके बाद डिस्टिंग्विश करना है आपको सुपरमार्केट क्या है, हाइपर मार्केट्स क्या हैं, फिर उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है इक्वलाइजेशन एंड कंसंट्रेशन मार्केटिंग मिक्स एंड APMC एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारा आता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड क्रिएशन ऑफ डिमांड प्रोसेसर एंड फैसिलिटेटर, तो प्रोडक्शन प्लानिंग और क्रिएशन ऑफ डिमांड के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी आपको बताना है। उसके बाद प्रोसेसर और फैसिलिटेटर के बीच में डिस्टिंग्विश करना है आपने। फिर हमारी ऑर्गेनिक और कन्वेंशनल फार्मिंग में क्या डिफरेंस है ये भी बताना है। फिर मार्केट की टाइप्स क्या क्या है ये बतानी है ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया के बेस पे, ठीक है। उसके बाद कहता है एक्सप्लेन करो आप डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन इन मार्केट रिसर्च, तो पता क्या होता है प्राइमरी डेटा, आप सबको पता होगा प्राइमरी डेटा वो होता है जो हम सबसे पहले खुद से कलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो आज तक किसी ने कलेक्ट नहीं करा है, ठीक है। जैसे मुझे किसी मार्केट के रिलेटेड डेटा चाहिए, ठीक है, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, खुद वहाँ पे सर्वे करूँगा या फिर क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करके लेके जाऊँगा, लोगों की जो है वो क्वेश्चनेयर दूंगा, उनसे क्वेश्चन पूछूंगा, इंटरव्यू लूँगा। तो ये जो भी डाटा हम फर्स्ट हैंड कलेक्ट करते हैं इसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा, और सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो ऑलरेडी किसी ने पहले कलेक्ट कर रखा है और मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। जैसे हमारी सेंसस, तो जो सेंसस का डेटा है इसको बहुत सारी जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो फर्दर पॉलिसी बनाने के लिए यूज़ करती हैं, उसको हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले किसी ने कलेक्ट करा है और हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है डिस्क्राइब द डिफरेंट फैसिलिटेटिंग फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, तो ये कुछ नहीं है, ये भी आपको अच्छे से वैसे वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेने हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, उसके बाद एलैबोरेट द ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर, जो भी ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं। फिर लिमिटेशन क्या है ऑर्गेनिक मार्केटिंग के, इंडिया के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मार्केट हैं उनकी लिमिटेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद आपको रोल ऑफ मार्केटिंग इंटरमीडियरीज इन मार्केटिंग चैनल, तो मैंने आपको बता दिया है कि डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्शन के बाद सोल्ड नहीं होता है टू द कंज्यूमर, बल्कि उसके बीच में क्या होते हैं सटर, जो हमारे फैसिलिटेटर ब्रोकर्स जो भी होते हैं वो होते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको जो है वो कर लेना है। उसके बाद हमारा आ जाता है व्हाट आर दी कॉमन डिमांड ड्राइव्स फॉर सेल ऑफ ऑर्गेनिक, तो कौन कौन सी कॉमन डिमांड हैं जो कॉमन डिमांड ड्राइवर्स हैं, ठीक है, ड्राइवर्स इन द सेंस कि जो उनको बूस्ट करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की सेल के लिए, कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। फिर वह कहता है कि वाई द कॉस्ट हायर इन कन्वेंशनल फार्मिंग, जो कन्वेंशनल फार्मिंग होती थी उसकी जो कॉस्ट है वो हायर क्यों है, एक्सप्लेन करो। फिर उसके बाद कहता है हमारा व्हाट इज द रोल ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट्स इन सेविंग एक्सपेंडिचर अंडर, तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। उसके बाद आपको प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा के बीच में डिस्टिंग्विश करना है, मैंने आपको बता दिया फैक्ट सर्वे क्या होता है और SMS सर्वे क्या होता है, इनके बीच में डिस्टिंग्विश करना है। डीमेरिट्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट के, इनके बीच में आपको डिस्टिंग्विश करना है कि इन दोनों के डीमेरिट्स क्या हैं। उसके बाद डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में डिस्टिंग्विश करना है। फिर ये कंपोस्ट या कंपोस्टिंग होगा, ठीक है, कंपोस्टिंग और बायोफर्टिलाइजर्स में क्या डिस्टिंग्विश है, इनके बीच में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। फिर डिफाइन करना है जैसे वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो वेरी करती है, पता है ना आप सबको, फिक्स्ड कॉस्ट होती है और वेरिएबल कॉस्ट होती है, आप पढ़ के जाओ अच्छे से। प्रीमियम प्राइस क्या होता है, बायोफर्टिलाइजर मर्चेंट क्या होते हैं, फैसिलिटेटर क्या होते हैं, होलसेल क्या होता है, होलसेल मार्केट है ये, डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं, हाइपर मार्केट क्या होता है, मेल सर्वे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है एग्जेक्टिव इंटरव्यू और माल इंटरसेप्ट इंटरव्यू, इन दोनों में क्या डिस्टिंग्विश है ये आपको कर देना है।
उसके बाद हमारा आता है निश मार्केट और सुपर मार्केट के बीच में अंतर बताना है, फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट, होलसेलर्स रिटेलर्स इन दोनों में क्या अंतर है, कॉरपोरेटिव जो हमारे कॉरपोरेटिव वेयर हाउस होते हैं और रेफ्रिजरेटेड वेयर हाउस होते हैं इन दोनों के बीच में अंतर क्या है ये भी आपको बताना है। उसके बाद हमारा आता है कोस्टल शिपिंग एंड ओवरसीज शिपिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्टिंग में क्या फ़र्क है, सिर्फ कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्टिंग ये सबको पता है, बेसिक है ये। फिर कहता है डिस्क्राइब स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग ऑर्गेनिक डोमेस्टिक मार्केट इन इंडिया, तो कौन कौन से जो स्टेप्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं कि जब हम ऑर्गेनिक डोमेस्टिक मार्केट के अंदर क्रिएट करते हैं हम ऑर्गेनिक डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है। फिर उसके बाद क्लासीफाई करना है आपको मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस के बेसिस पे मार्केट को क्लासीफाई करना है, ठीक है। तो ये थे हमारे बीपी जो बीएपीआई हमारा था 003 उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंग्लिश के अंदर, और यहाँ से आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे हिंदी के अंदर, ठीक है। सो जो भी बच्चे मेरे भाई बहन हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। जैविक उत्पादों का अर्थशास्त्र और विपणन, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न अनुमान पत्र यानी गैस पेपर एक टाइप का पिछले प्रश्नों के प्रश्न भी यहाँ पे मैंने ऐड करे हुए हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे फॉर पीडीएफ। उसके बाद हमारी आती है कृषि, ये आप सब पढ़ लेंगे यहाँ से, ठीक है। आम विपणन विपणन चैनल कार्य क्या है, ठीक है, तो ये सारे के सारे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो हमारा था इसके उद्देश्य क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये आपको पढ़ देना है। बागवानी के विकास की एकीकृति करने के लिए प्रौद्योगिक ई मिशन के तहत जैविक खेती के लिए क्या समर्थन है, तो ये आप सारे के सारे यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनको पढ़ूंगा नहीं, आप पढ़ लीजिएगा खुद ही इनको, और इतना इतना मैं टफ है नहीं कि हिंदी है ये, हिंदी वाले बच्चे अच्छे से पढ़ लेंगे इसको, क्योंकि एकदम क्लियर एंड क्रिस्प मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सब पढ़ना ही आपको, और बस ये टॉपिक आपको छोड़ने नहीं है, इनको अच्छे से पढ़ लेना, और मैं गारंटी देता हूँ भाई लोग देख लेना आपका पेपर जब आएगा, क्योंकि इस पेपर के अंदर ना छूट बहुत होती है, आपके पास टाइम बहुत होता है ना, तो आपके पास एक जो चॉइस है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। घरेलू बाजार डोमेस्टिक मार्केट जो हमारे होते हैं मैं जैविक उत्पादों के वितरण का वर्णन करें, कृषि विपणन में शामिल कार्यों को विस्तृत करें, तो ये कुछ हैं। भारत में जैविक बाजार की सीमाओं पर चर्चा करें, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप पढ़ लोगे यहाँ से, ठीक है। जल परिवहन और वायु परिवहन के दोष, ठीक है, डीमेरिट्स क्या हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट के और एयर ट्रांसपोर्ट के, डीलर और जो वितरक होते हैं हमारे, रचना और जैव उर्वरक जो हमारा है इसमें क्या फ़र्क है, फिर निम्नलिखित की परिभाषित कीजिए, डिफाइन करना है आपको, ये आपको पता है क्या क्या होते हैं, ठीक है। आला बाजार और सुपरमार्केट में क्या डिस्टिंग्विश है, अंतर है, ठीक है, तो ये पढ़ सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। निश्चित लागत क्या होती है, परिवर्तनीय लागत क्या होती है, जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होगी, ठीक है, तो ये यहाँ से पढ़ लोगे आप सारे के सारे। जैसे खाद और वर्मी कंपोस्टिंग में क्या फ़र्क है, भारत में जैविक घरेलू बाजार बनाने के लिए कदमों का वर्णन करें और व्यवसाय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण करना है आपको, डिस्टिंग टाइप्स बतानी है आपको, व्यापार ये हमारा व्यवसाय हो गया मतलब बिजनेस के बेस पे, ठीक है। तो गाइज ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और आई ही होप करता हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है और आपके काम आए, और बस आपको क्या करना है कि अच्छे से ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस करे हैं ये पढ़ लेने हैं, और मैं इस चीज़ की गारंटी दे देता हूँ आपको। बस आपको क्या करना है, फिर उसके बाद जब आपका पेपर हो जाता है ना, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है कि इसमें से आपको कितने जो क्वेश्चन थे वो वहाँ पे आए हुए थे, और मैं अश्योरिटी देता हूँ आपको कि मैक्सिमम पेपर जो है वो यहाँ से रिपीट होगा, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, ठीक है, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मैंने छोड़ा नहीं हुआ है। बस इनको पढ़ लो, और स्टडी मटेरियल अगर आपको इसका चाहिए तो भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे आप मुझे जो है वो चैट बॉक्स के अंदर कमेंट करो, ठीक है, कि आपको हिंदी इंग्लिश जिस मीडियम में भी चाहिए मैं प्रोवाइड करूँगा आपको, ठीक है, पीडीएफ्स ई कंटेंट की। सो गाइज बाय बाय, और वंस अगेन आपको क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, हैव अ गुड डे।